सरकार से गुहार कर रहे हैं, या तो हमारी मांग को मान लिया जाए या नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए और सरकार हमारे गोली मार दे, हमारी लाश जाएंगी। इस तरीके से अध्यापकों का कहना है। आइए और जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैडम आपका नाम? मेरा नाम वर्षा है और मैं अपने जिला बदायूं से आई हुई हूं। और मैं आपको बता दूं, मेरे सभी साथी आज हमें बहुत से साथी हमें छोड़कर चले गए हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से इतना आहत हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, इसका कोई जवाब नहीं है। कभी ऐसे फैसले नहीं आते हैं, हमेशा जनहित में फैसले आते हैं। आज हमारे साथ अन्याय हुआ है और घोर अन्याय हुआ है और ये हमारा स्वाभिमान चला गया है, आज हमारा मान सम्मान चला गया है। हमने 17 साल कार्य किया है, हमारी त्याग तपस्या का कोई ध्यान नहीं दे रही है गवर्नमेंट। हमसे बार बार वार्ता कर रही है और हमसे कह रही है, हमें झूठा आश्वासन दे रही है, हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है। हमें अपना पुनः पद सहायक अध्यापक का ही चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। हमारे बहुत सी बहनें, बहुत से साथी, आज जो हमारे बच्चे हैं, हमारी इतनी उम्र हो चुकी है, हम BEd हैं, BTC भी हैं, क्या नहीं है हमारे पास। हम योग्यता की बात करते हैं, हम योग्यताधारी भी हैं, हमें 17 साल का एक्सपीरियंस है, क्या हमारे लिए अब PCS करनी पड़ेगी, हमारी समझ में नहीं आता है। हम ये चाहते हैं कि बस हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है पैरा 4 में ये संशोधन है, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस चीज को छोड़ के गए हैं हमारे लिए, कि हमारे लिए दोबारा से कोई ना कोई कानून हमारे लिए लागू किया जाए, जिससे हमें पुनः अपना सहायक पद स्थापित पे हमें किया जाए। और हमारे सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा है, हम कहां जाएं। हमने भी आपको वोट दिए हैं, हमने भी आपकी सरकार बनाई है, हमने आपके लिए हमने अपना प्रधानमंत्री के रूप में चुना, हमने आपको मुख्यमंत्री के रूप में अपना प्रतिनिधि चुना है, इसलिए चुना है। आप आध्यात्मिक महापुरुष हैं, हमने इसलिए चुना है कि आप पुरुषार्थ को अच्छी तरीके से जानते हैं, आप परोपकार को अच्छी तरीके से जानते हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारे जरूर अवश्य हमारी भावनाओं को समझेंगे। आज हमारा जो अहित हुआ है उसको आप हमारा मान सम्मान जरूर वापस करेंगे, हम यही सोच के दिल्ली आए हैं। और हम आपको बता दें, हमारे बच्चे भटक रहे हैं, आज पढ़ाई से बैठ गए हैं, भूखे प्यासे घूम रहे हैं, आज हम कहीं के नहीं रहे हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, अब हम कहाँ जाएं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हम बस इतना ही निवेदन करना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहते हैं, बस हमें नौकरी दे दो। 2019 में जैसे हमने अभी आपका पूर्ण बहुमत से हमने आपके लिए अपने तन मन से हमने आपका साथ दिया है, 2019 में भी हम साथ देंगे। अगर आपने हमारा रोजी रोटी वापस करने का अगर आपने कार्य नहीं किया तो हम आपको चेतावनी भी देते हैं कि हमारा शिक्षा मित्र भाई बहन जो आज आहत है सुप्रीम कोर्ट की वजह से, आज आपको 2019 में फिर आपकी चुनाव जो होगा, हो सकता है आपको इस कुर्सी से आपका तख्तो ताज पलट जाए।